नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। हम आए हैं आज रोहतक लोकसभा हॉट सीट के जज्जर हल्के गांव तलाव में। ये दूसरा वीडियो हम तलाव गांव से लेके आ रहे हैं आपके लिए, जनता का मूड जनता तक पहुंचा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं तलाव गांव में जनता का क्या मूड है, अब की बार जनता किसके साथ जाना चाहती है, किसको वोट देना चाहती है, किसकी सरकार बनाना चाहती है। भाई साहब से बात करेंगे। राम राम भाई साहब। भाई साहब क्या लग रहा है अब की बार जनता, तलाव गांव की जनता खासकर क्या मूड है अब की बार, किधर किधर जा रहे हैं? देखो मैं अपनी बात बताता हूँ। अपनी बताओ। बिल्कुल। मैं तो दूंगा दीपेंद्र को। दीपेंद्र को दोगे? पिछली बार मोदी को दी थी। अच्छा, अब का मूड बदल गया। क्या बात, मोदी जी ने सके कर दिया जो दीपेंद्र को दोगे? दीपेंद्र बढ़िया लड़का है। अच्छा, मेरा तो आदमी है, कहीं जाकर हाथ पकड़ लो। हाँ, अरविंद शर्मा का तो पकड़ नहीं सकते, वो आता ही नहीं। अच्छा, अरविंद शर्मा जी तो ये कह रहे हैं कि भाई मेरा तो हर गांव से पर्सनल जुड़ाव है, और यहाँ से मैंने सुना है अरविंद शर्मा जी के जो फादर थे वो यहाँ टीचर रहे हैं, काफी साल उन्होंने टीचिंग की है और उनका तो बचपन यहाँ गुजरा है, तो फिर भी इस गांव से लगाव नहीं उनको, ऐसा कैसे हो सकता है? ना लगाओ, हाँ जब तो लगाओ आता। अच्छा, तो कोई नहीं, कभी नहीं आए यहाँ पे ना, कभी ना, ना भाई। अच्छा, कोई काम नहीं कराया गांव में? अच्छा, आप बताओ तो क्या आपका क्या कहना है? जज्जर में तो खासकर नहीं आए। अच्छा, जज्जर पूरे हल्के में ना आया? अच्छा, अरविंद शर्मा जी ये कहते हैं भाई मैंने तो दीपेंद्र से कई गुना ज्यादा विकास कार्य कराए हैं यहाँ पे, इस बारे में क्या कहोगे? जज्जर में काम नहीं कराए तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने काम कराए हैं? उसने उस टाइम करवाए थे। अच्छा, ईब वो किस तरह करवाता भाई? ईब भी लोग तो ये कह रहे हैं अभी भी वो जब की सांसद नहीं है तभी भी आ जाते हैं, काम करवा देते हैं। वो अपने ग्रांट में तो जो दे है ना, देता है वो, दिखाई ना दे। अच्छा, तो अरविंद शर्मा ने कोई काम नहीं कराया यहाँ पे आपको माना है? अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा जी को अब की बार आप जा रहे हो, दीपेंद्र हुड्डा को वोट देना चाह रहे हो? वोट भी देना चाह रहे, पर दिक्कत एक और भी है, आवारा जो पशु है ना इनकी वजह है, या तो जमींदार रहेगा या आवारा पशु। अच्छा, एक रहेगा एक न मरना है। अच्छा, दोनों में से एक मरेगा। अच्छा, या तो आवारा में पशु या जमींदार मरेगा। अच्छा, क्योंकि रात ने भी रहना है जमींदार ने, तो अगर उनकी रुखाल करनी है तो। अच्छा, किसानों के लिए आपको लग रहा है कि अरविंद शर्मा जी कितने हक में? वो कह रहे हैं किसानों को तो मैं एक फोन कॉल पे किसानों के कहने से आ जाता हूँ, ऐसा मानते हो आप? आए हैं कभी? नहीं, कोई उन्होंने काम नहीं कराया किसानों के? यहाँ तो करवाए नहीं, यहाँ नहीं करवाया। अच्छा, तो आप दीपेंद्र हुड्डा के साथ जाना चाहते हो? हाँ, इसी वजह है भाई, उसने उस टाइम काम करवाया। काम करवाया है कि अरविंद शर्मा कभी नहीं आया आपके गाँव? भाई साहब 5 साल में कोई भी बता दे हमारे गाँव का की बात है। अच्छा, हर गांव का सोगर दुखे शहर था यहाँ लेकिन के करवाया वो भी बता देंगे। कोई काम नहीं करवाया? काम नहीं करवाया, क्या अपना पड़ा होगा अपने इलाके में? अरविंद शर्मा तो कह रहे हैं भाई रोहतक में मैंने दीपेंद्र हुड्डा से कई गुना ज्यादा काम करवाए। तो फिर वो देखो रोहतक साइड में जाके जी मारे जजर में। रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं जिसमें हम भी आते हैं, ये एरिया भी इलाके में कोई काम नहीं, कोई काम नहीं करवाया। दीपेंद्र हुड्डा ने काम करवाए हैं? दीपेंद्र ने भाई पिछली बार आज भी जो है ना सारे हाईवे सब कुछ बना रखा हमारा, रात रात में अंडर पास पार करवा के लिया था रात रात में। अच्छा, जो रेलवे के नीचे लगड़काए होगे तुम, इसलिए हमारा आड़ा पब्लिक तो अंडर पास जो है दीपेंद्र ने बनवाया था, रात रात में परमिशन लेकर आया था। अरे वाह, रेलवे की। अच्छा, तो अब की बार क्या लग रहा है दीपेंद्र यहाँ से? माहौल दीपेंद्र का ही है, दीपेंद्र का माहौल बिल्कुल है। यहाँ से जो है लगभग ये बता रहे हैं कि भाई जो तलाव गांव से लगभग 2200 वोट पोल होती है, 2200 के आसपास, 2400 वोट हैं जिसमें 2200 के आसपास पोल हो जाती हैं, तो 2200 में से कितनी वोट दे रहे हो आपकी बार दीपेंद्र? ज्यादा नहीं, तो गांव में जो है ना 2800 है ना, 1800 वोट है अकेली है, अकेली 1800 वोट मतलब दीपेंद्र को? ये तो हमारे से नहीं, गांव के अंदर बढ़ के पूछ लो। अच्छा, अकेला है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम जी। क्या लग रहा है आपकी बार किसको वोट दे रहे हो भाई? दीपेंद्र हुड्डा को दे रहे हो? दीपेंद्र हुड्डा को दे रहे हो, किस वजह से, क्या रीजन लग रहा है दीपेंद्र भाई? अरविंद शर्मा कभी आया है नहीं 5 साल से। अच्छा, अरविंद शर्मा तो यहाँ बचपन में बचपन गुजारा है फिर भी नहीं आए यहाँ पर? बचपन गुजरा ये बड़े पाछा आया नहीं। अच्छा, वोट किसको दोगे? अच्छा, तो मतलब अब की बार दीपेंद्र को दोगे? दीपेंद्र को दोगे? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। तो राम राम तो क्या लग रहा है अब की बार, क्या विचार है जनता, क्या मूड है, किधर की तरफ जा रही है जनता? विचार तो ये है दीपेंद्र का ही ज्यादा है, दीपेंद्र का ज्यादा है। हाँ, अच्छा, तो अरविंद शर्मा का क्यों नहीं है? अरविंद शर्मा मौजूदा 5 साल से यहाँ सांसद हैं, तो उनके बारे में क्या कहोगे?
भाई उनके बारे में जब यहाँ काम ही नहीं किया तो कोई भी भाई संतुष्ट नहीं है, सीधी बात है। और फिर बचपन से रहे है तो वह बात अलग है, तो वह फायदा है क्या। अरविंद शर्मा जी ये कह रहे हैं कि भाई जो कोरोना काल गया, कोरोना काल की बात करूं मैं, कोरोना काल में वो कह रहे हैं भाई मैंने घर घर विजिट कराया और मैंने लोगों के घरों में सिलेंडर पहुँचाए हैं, ऐसा क्या है यहाँ पे भाई? ऐसा तो सिलेंडर मिले हैं, किसने मिले सिलेंडर? ऐसा है जी, उसके बारे में किसी को मिला भी होगा, ये नहीं कह सकते नहीं मिला भी किसी को, तो इसमें ऐसा ही है सबको, तो कोई भी काम है वो अच्छा होता भी नहीं और सबको बुरा भी नहीं होता। कोरोना में तो किसी के लिए भला भी है, किसी के लिए बुरा भी है। हाँ अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, राम राम जी। मैंने बता दी भाई, पर कोई बात नहीं, बताओ बताओ आप क्या लग रहा है अबकी बार किसकी किसकी तरफ जा रही है वोट? भाई मोदी ने तो ऐसा काम कर रखे थे, हम स्कूल में पढ़ रहे ना तो स्कूल का सर्टिफिकेट चलता, अच्छा और ना सनद चलती, आधार कार्ड में वह डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही, सारा छक्के ताने मार ली, कितने भी ठीक ना हुई। अच्छा बोल, अरे 61 साल में हम चल रहा हूँ, पेंशन ना हो, पेंशन नहीं बनी आप। हाँ तो आपने इस चीज के लिए अपने सरकारी दफ्तरों में मोदी एक बार हम रोज कर रहे है, हमने जो बीरबानी मर रही है उनकी पेंशन लागू कर दी। अच्छा हमारी वह भी नहीं, 2013 में गुजरी थी, वह भी नहीं बनी। 2013 से मतलब 11 साल हो गए हैं, बीरबानी पेंशन नहीं बनी है आपकी, पेंशन भी ना बनी है, वह भी ना बनी थी। अच्छा तो इसके लिए आपने कोई लिखित में दरखास्त वगैरह सरकारी दफ्तरों में अरविंद शर्मा से मिले हो या कोई सरकारी दफ्तरों में आप कर्मचारियों से मिले इस बारे में, अफसरों से मिले? अरविंद शर्मा जब मिले तब किसी ठिकाना का बेरा हो। अच्छा तो अरविंद शर्मा जी से कभी मुलाकात नहीं हुई ना, कोई दरखास्त नहीं मतलब ना, एक साल अड़े स्कूल में पढ़ गया था हमारा में। अच्छा उसका पिताजी हेडमास्टर था सतगुरुदास। अच्छा अरविंद शर्मा जी के आप कह रहे हो पिताजी यहाँ हेडमास्टर थे और वो यहाँ पे पढ़े हैं अरविंद शर्मा आपके गांव में तलाव पढ़े हैं, हम नहीं पढ़ा तो उनका तो फिर खास लगाव होना चाहिए इस गांव से। लगाओ कितने सतगुरुदास भी चले गए, लगाओ कितने बनेगा। अच्छा लगाओ तो भाई दीपेंद्र से मतलब मारे या गीता बुकल भी जीते है ना, दीपेंद्र का नाम से वोट मिल रहे इसने। अच्छा दीपेंद्र के नाम से हाँ कति, तो अब की बार दीपेंद्र सरकार के साथ मतलब बिल्कुल मैं तो सरूते छू। हाँ मतलब हमारे कांग्रेस ही हैंडल लग गया ना, जबरदस्ता पकड़ा करता मैं, आदमी इकट्ठा कर सकता। अच्छा तो पिछली बार क्या कमी रहेगी थी फिर, पिछली बार कैसे आया? पिछली बार देख सुन आवश्यक मोदी ने के मन उन बटना में गड़बड़ कर रखी थी। अच्छा तो आप बस अच्छा तो इस वजह से आपको मतलब उसमें आ रहा है ना, तो दीपेंद्र का कोई आने का मतलब नहीं दीपेंद्र को। तो कितने अब की बार टोटल रोहतक से लोकसभा से कितनी वोट से जिता रहे हो दीपेंद्र को भाई? कल जीतेगा। अच्छा अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ भाई साहब खड़े हैं एक बार बात कर लेते हैं। राम राम जी भाई साहब, राम राम जी। भाई साहब क्या लग रहा है अब की बार किसकी तरफ जा झुकाव है तलाव गांव की, खासकर जनता का, अपने जज्जर हलके का क्या लग रहा है? अपने जज्जर हलके का कांग्रेस की तरफ है, भाई दीपेंद्र का। हाँ थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा भाई दीपेंद्र का है। अच्छा दीपेंद्र भाई साहब हाँ जी, किस वजह से लग रहा है दीपेंद्र? दीपेंद्र ने सारे काम करवाए हैं। अच्छा हाँ, गांव में गलिया डिग्गी पानी सारा सब कुछ, पार्क रोजगार सब कुछ दीपेंद्र ने। मौजूदा सांसद अरविंद कुमार अरविंद शर्मा जी हैं यहाँ से। अरविंद शर्मा जी का ये कहना है कि भाई 5 सालों में मैंने घर घर विजिट करे हैं, घर घर दौरे करे हैं और मेरे से ज्यादा काम दीपेंद्र हुड्डा ने भी नहीं कराए यहाँ पे। अरविंद शर्मा से हमारी मुलाकात करवा दो, गांव में एक बार मंदिर में आया था बनाया जब हाँ। उसके बाद में आया हो तो दोबारा गाँव में। अच्छा हाँ 10 साल में क्या आया ही नहीं हमारे गाँव में आज तक। अच्छा कभी दौरा नहीं हुआ? अभी नहीं। अच्छा अरे हमारे गाँव में उसका पिताजी सतगुरुदास हेडमास्टर रह के जा रहे, वो अरविंद शर्मा भी खुद पढ़ के जा रहे हमारे गांव में। अच्छा हाँ अरविंद शर्मा जी ये कहते हैं कि भाई कोरोना काल जो जिस जो पूरे भारत पूरे दुनिया पे जो जिसका संकट आया था उस दौरान उन्होंने लोगों की इतनी सेवा करी है, घर घर गए हैं, घर घर सिलेंडर पहुंचाए, ऐसा मानते? नहीं कुछ भी नहीं, बताओ किस घर में सिलेंडर दिया, एक का नाम बता दो, किसी का कोई मतलब नहीं, किसी का एक आदमी का नाम बताओ भाई उस घर में हमने सिलेंडर पहुंचाया था। अच्छा हाँ वह झूठ बोला है, नहीं झूठ के बुलंदे कितने मार ले वो। हाँ जैसे मोदी झूठा ना ऐसे उससे बड़ा अरविंद शर्मा है। अरविंद शर्मा जी ये बोलता था बोला हाथ कर दिया तो हाथ काट देंगे, एक काट दी तो एक को फोड़ देंगे हम। अच्छा आराम है, वोट की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ अच्छा इस तरह का मतलब उनकी नीति है? वह रोहतक में बयान नहीं दिए थे, मनीष ग्रोवर की तरफ किसी ने हाथ उठाया हाथ काट देंगे और एक निकाली एक फोड़ देंगे हम। अच्छा जी हाँ तो अगर मैं बात करूँ जिस तरह मान लो पिछली बार
मोदी जी के चेहरे को वोट पड़ी थी, ना कि अरविंद शर्मा को। मोदी जी की वजह से, मोदी जी के चेहरे को लोगों ने वोट दिया था। तो अब की बार आपको लग रहा है लोग दोबारा मोदी जी के चेहरे के साथ नहीं, कोई नहीं देंगे, नहीं वोट देंगे नहीं। अब की बार 100 के अंदर है मोदी। अच्छा, पूरे देश में, पूरे देश में। हाँ, जितनी झूठ मोदी ने बोली ना, इतनी तो पूरी दुनिया में कोई नहीं बोलता। धरती पर पहला आदमी है झूठा। 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, और 15 लाख खाते मांगे, आए किसी के? बताओ आप। तो मोदी की गारंटी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं? क्या गारंटी किस चीज की है? किसी के कुछ आया हो तो गारंटी हो, रोजगार कहाँ है? 15 लाख किसके खाते में? ये कह रहे हैं अग्निवीर जो चलाया है उससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र को, हमारे युवाओं को का रोजगार, मतलब उनको बहुत ज्यादा रोजगार मिला है, उस चीज से बेरोजगारी खत्म हुई है। इसमें मानते हो ये बात? उस चीज से तो बेरोजगारी बढ़ी है। अच्छा। हमारे गांव के स्टेडियम में लगभग 100-150 बच्चे जाते थे, अग्निवीर बनने के बाद 4 बच्चे जाते हैं। अच्छा। अगले प्रैक्टिस करनी छोड़ दी, बोला 4 साल के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाँ। अच्छा। वो पकौड़े तलो, इन्हें तो बोला था हमारे बीजेपी ऑफिस आगे देंगे ये। हाँ। करा। अच्छा। देंगे। तो दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ अब की बार जाओगे? हाँ। तो क्या लग रहा है दीपेंद्र जी यहाँ से, अपनी रोहतक लोकसभा से, थोड़ा सा आगे हो जाए लगना जाए, रोहतक लोकसभा से कितने मार्जिन से, कितने बहुमत से अब की बार दीपेंद्र? कम से कम 3.5-4 लाख से। 3.5-4 लाख वोट से दीपेंद्र जीत रहे हैं यहाँ से, लीड ले रहे। अगर मैं बात करूँ भाई साहब पूरे हरियाणा की, 10 सीटों की, तो क्या लग रहा है 10 सीटों में से अब की बार कितनी सीटें जो है कांग्रेस को जा रही, कितनी बीजेपी? कांग्रेस को जा रही है 9 सीटें। अच्छा। और 10वीं भी आ सकती है ये गुड़गांव वाली। अच्छा, गुड़गांव वाली पे आपको थोड़ा मतलब लग रहा है संदेह है, मतलब इंद्रजीत के टक्कर है उसमें? अच्छा। थोड़ा सस्पेंस है, नहीं तो 9 की 9 वाली कांग्रेस की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक युवा भाई और भी हमारे साथ, भाई साहब राम राम। राम राम भाई। भाई क्या लग रहा है, आप युवा हो, रोजगार के लिए आप तैयारी करते हो, आप भी जॉब के लिए तैयारी करते होगे, शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या लग रहा है मौजूदा सरकार कितनी सफल हो पाई है और अब की बार आपका क्या रुझान है? बेरा कौन है, हम तो शुरू से दीपेंद्र के लाए। हाँ, दीपेंद्र की वोट जा। अच्छा, शुरुआत से आप दीपेंद्र के साथ? हाँ, दीपेंद्र। पिछली बार भी आपने, पिछले इलेक्शन में भी, मतलब दीपेंद्र उड्डा, दीपेंद्र के लाए अपने। किस वजह से डालते हो? बस भाई लगाव है, लगाव है। हाँ। दीपेंद्र हुड्डा के लिए जो हम सर्वे कर रहे हैं, जनता का ये कहना है। अरे एक बात और बता दूं भाई। हाँ जी, बताओ। दीपेंद्र हुड्डा का ऐसा है, जो अपना जो हुड्डा साहब है, दीपेंद्र के फादर हैं जो, हाँ, भूपेंद्र हुड्डा जी। हाँ, उसकी जगह चेहरा था नू दिखा देना भाई, दीपेंद्र हुड्डा। हाँ। तो कांग्रेस हरियाणा में कत्ती एक तरफा हो जाएगी, कत्ती को सवाल पैदा ना होगा, दूसरी बेटी जो को पंख मार जाएगी। मतलब आपका कहना ये है कि दीपेंद्र हुड्डा को अगर सीएम पद का चेहरा बनाया जाए तो कांग्रेस जो है वो पूरा बहुमत ले जाए। एक को मैटर को ना दूसरे किसी का भी। अच्छा। काम हो जाएगा ती एक तरफा। अच्छा। तो कोई का दल आ जाए लूट पुंड कुछ भी है चाहे, बाकी दिखा दिया दीपेंद्र हुड्डा शीशा दिखा दिया कि कती एक तरफा काम, एक तरफा हो जाएगा। तो दीपेंद्र हुड्डा को कितने मार्जिन से जिता रहे हो आपकी बार? भाई मार्जिन का तो युवा मोकड़ा, एक अंदाजा सा मत दे दो, थोड़ा सा 2.5-3 लाख। 2.5-3 लाख कम से कम पूरे रोहतक लोकसभा सीट। हाँ, रोहतक तक। और 10 में से कितनी सीट दे रहे हो बीजेपी को और कितनी सरकार कांग्रेस? भाई इतना मैं घूमता रहा है, बाकी हमने इतना बेरा है 8-7 सीट राजी। 8-7 सीट राजी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। तो आपने देखा हमारे साथ एक ताई भी खड़ी है, एक बार 2 मिनट ले लेंगे ताई जी। राम राम। ना ना, बस आपसे ये जानना चाहेंगे। चलो चलो कोई बात नहीं, बता। सिर्फ ये जानना चाहेंगे किसकी वोट दोगे? जी हम देंगे दीपेंद्र हुड्डा की। दीपेंद्र की दोगे? हाँ। क्लियर क्लियर कती जी। अरविंद शर्मा ने क्या गलती कर दी जी? कहते मारा आया नहीं, मारा कोई काम नहीं करा, हमने तो दीपेंद्र दो रहे, हमारी गाड़ नहीं बनी थी और कती नहीं हुई थी, इतना पानी मांग चलना था हमारी तो गाड़ शुरू में, उसने आया जो बुआ बनाई जो पास, हमारी गाड़ का कोई काम नहीं था। अरविंद शर्मा जी का ये एक बगे थे, उसका दौर हमारी सारी गाल पक्की होगी ना, ये तो बड़ा मकान जाकर। अरविंद शर्मा जी का ये कहना है, अरविंद शर्मा जी का ये कहना है कि भाई जो पानी की निकासी का जो काम है ना, वो मैंने खुद जाकर गांव में करवाया है जी। हम तो 2 बूंद पड़े ना उस गली से लेकर सरपंच मंजीत साई, इतना पानी मार मारे घर, हम कीड़े भी चल रहे, नाग भी बड़ा है, मोरिया माँ के। अच्छा। हमारा कोई देखने भी ना होता किसा दौर हंड। अच्छा। कोई सुनाई कोई ना, कोई सुनाई नहीं है, कदे भी तो दीपेंद्र हुड्डा को अगर लेके आते हो आपको लग रहा है सुनाई होगी? फिर दीपेंद्र हुड्डा की अगर वोट दोगे? हाँ? तो सुनाई होगी होगी। मैं दो बनवा दिया, एक बतिया बनवाई, एक बीच में चौक था ना। हाँ। वो बनवाया। अच्छा। काम कराए मतलब? हमारे करवाए थे, करवाए 10 साल में हमारा कोई काम नहीं हुआ मोदी से, मोदी सरकार में कोई काम नहीं हुआ। दीपेंद्र हुड्डा आते हैं तो आपके काम होंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा तलाव गांव का जनता का मूड। हाँ, दोनों पर हमारा काम करे दीपेंद्र हुड्डा ने, दोनों बार की। हाँ, करे हम तो अपना ठेली भर भर के गए, समाज तो खूब काम करे या बिगाड़। हाँ। और वो चौक भी कती उरा था, लेक उरा था, खराब था, काम करवाए हम करवाए हम तो गए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका।
तो आपने देखा तलाव गांव झज्जर हल्के का गांव तलाव, जहां पे अरविंद शर्मा के पिताजी टीचर के पद पर कार्य कर चुके हैं। अरविंद शर्मा जी का बचपन यहाँ बीता है, लेकिन फिर भी गांव की जनता में, ग्रामीण क्षेत्र की जनता में, तलाव गांव की जनता में उनको लेके काफ़ी रोष है। यहाँ कभी उनके दर्शन नहीं हुए हैं, ऐसा जनता का कहना है। कोई काम किसी तरह काम बीजेपी सरकार में यहाँ नहीं हुआ है, इसलिए जनता पूरी तरीके से बदलाव के मूड में है और जनता का मूड चेंज होता दिख रहा है। जनता अब की बार पूर्ण तरीके से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को यहाँ से वोट देने की तैयारी कर रही है और पूर्ण समर्थन आने का पूरी उम्मीद है। तो इसी तरीके से हम जनता का मूड जनता तक पहुँचाते रहेंगे, जनता का स्वभाव आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए, अगले गांव के लिए हमें कमेंट कीजिए, कौन सा गांव विजिट करें, कौन से गांव का रुझान आप जानना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव ज़रूर देते रहिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सबकी खबर टीवी।